सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है पंडित प्रेमनाथ डोगरा। हम उनके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 21 मार्च को उनकी पुण्यतिथि। पंडित प्रेमनाथ डोगरा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ जो आंदोलन आरंभ हुआ उसकी नींव रखी, उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई 1972 तक, जब तक कि उनका निधन नहीं हुआ, और इस आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से वह थे। दिलचस्प बात यह भी है कि एक ऐसी उम्र में जब अमूमन लोग रिटायर होने के बारे में सोचते हैं, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो आंदोलन शुरू किया जाता है वो अमूमन युवा शक्ति द्वारा ही शुरू किया जाता है, लेकिन इस आंदोलन को लगभग 68 साल की उम्र में शुरू किया पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने। 1884 में उनका जन्म जम्मू में हुआ, शुरुआती शिक्षा उनकी लाहौर में हुई, और उसके बाद वह कुछ समय तक जम्मू कश्मीर की रियासत में सरकारी अधिकारी थे, लेकिन 1930 के दशक में वह यह सब छोड़कर जो है सार्वजनिक जीवन में आ गए। 1934 में जम्मू कश्मीर की जो पहली असेंबली बनी, जिसे कि प्रजासभा कहा जाता है, उसके वो सदस्य नामित हुए, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने 1947 में प्रजा परिषद पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। हम सभी जानते हैं कि 1950 और 1960 के दशक में प्रजा परिषद पार्टी जो है वो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जम्मू कश्मीर में धारा 370 के विरुद्ध जो आंदोलन था उसे खड़ा करने में। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को लेकर। उन्होंने 1952 मई में वेस्टर्न कोर्ट, जो दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में एक इलाका है, वेस्टर्न कोर्ट में भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ के हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है शेख अब्दुल्ला द्वारा, और जिस प्रकार से एक पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, उसका विरोध करने के लिए वहाँ जो आंदोलन चल रहा है उसमें वह सहयोग दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में जून में वहाँ इसी आंदोलन के सिलसिले में गए और गिरफ्तार किए गए, और संदिग्ध परिस्थितियों में उनका वहाँ देहांत हुआ। और जब उनका देहांत हुआ श्रीनगर में, तो उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी श्रीनगर की जेल में इसी आंदोलन के सिलसिले में बंद थे। 1963 तक प्रजा परिषद पार्टी जो है वो चलती रही, और आप जो है पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कद का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष कुछ समय के लिए बनाया गया। 1963 में जैसा मैंने बताया प्रजा परिषद पार्टी का विलय हो गया, लेकिन इससे पहले कई बार पंडित प्रेमनाथ डोगरा उस उम्र में भी, जबकि वो करीबन उम्र के 7वें दशक में थे, कई बार जेल गए, और 1957 से उन्होंने विधानसभा चुनाव पहला लड़ा, जम्मू कश्मीर में जीता। 1972 तक लगातार वह विधानसभा चुनावों में विजयी होते रहे और जनता की बात जो है वो विधानसभा में रखते रहे। इस दौरान उन्होंने कभी भी धारा 370 के खिलाफ जो आंदोलन है उसको धीमा नहीं पड़ने दिया, उसको लगातार जो है आंदोलन को बनाए रखा, और अंततः हम जानते हैं कि इस आंदोलन की परिणति जो है 5 अगस्त 2019 को हुई, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा 370 में संशोधन कर जो है वो सेक्शन 35A को हटा दिया। तो इस प्रकार के जो ऐतिहासिक फैसले हम देखते हैं उसके पीछे वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसे नींव के पत्थर हैं जिन्होंने कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब हम आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं तो इतिहास में ऐसे लोग जिनका कि योगदान बहुत रहा लेकिन उसके बारे में आज़ाद भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, तो उसके विषय में भी एक बार पुनः उनकी भूमिका का और उनके योगदान का आकलन होगा। उम्मीद है आपको वीडियो कॉलम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें।